वेलकम टू मारवल फ्यूचर फाइट इन इंडिया, पिछली शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ में कोलाबरेशन में है आरकेएमएफएफ और साथ में है बैड बॉय फ्रॉम यूपी। तो आज हम लोग कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हाँ बोलो बोलो आरके भाई बोलो। तो आगे बोलेंगे हमारे बैड बॉय फ्रॉम यूपी। तो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। और हम सब लोग कोलैब करने बैठे हुए हैं क्वेश्चन आंसर का। और मयूर भाई एक एक करके अपने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग जवाब देंगे। तो मयूर भाई चलिए। तो ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए सुनिए, ये जो क्वेश्चन बोले रहेगा तो लिखेगा। नहीं वो लिखना नहीं है, वो डायरेक्ट मैं ही पूछने वाला हूँ, तुम लोग आंसर देना, मैं भी उसमें बीच में अपना टिप्पणी दे दूंगा बीच में। ठीक है ठीक है। तो मैं न्यूएस्ट कमेंट से स्टार्ट करूंगा या ओल्डेस्ट कमेंट से स्टार्ट करूँ। चलो टॉप वाला कमेंट उठाते सबसे पहले। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ब्लैक पैंथर को TF4 सच में मिलेगा क्या? वैम्पायर गेमिंग का क्वेश्चन है। ब्लैक पैंथर को PS4 बिल्कुल मिलेगा, कितने वाले मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर इंसान मिल जाएंगे बिल्कुल मिलेगा और काफी फीडबैक मिला कि ये एक्सपेक्ट करता हाँ रहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है पैंथर? मेरे ख्याल से देखो यार, ब्लैक पैंथर को रिवर्क चाहिए और PS4 तो मिलना ही चाहिए विथ न्यू यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म काफी पावरफुल होना चाहिए क्योंकि ब्लैक पैंथर मुझे नहीं लगता कोई यूज करता भी है। तो हाँ बात आना तो तो सही है। बिल्कुल चाहिए। मैं भी सुन रहा हूँ कि डबल PS4 का पहला अपडेट है कि इसमें दो PS4 आएंगे, एक नेमोर और दूसरा अपना ब्लैक पैंथर। हाँ पंतर बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये सही है बिल्कुल। तो हम लोग होप बनाए रखे हैं कि PS4 आएगा, वेटिंग कर सकते हैं। अभी तो कुछ लीक तो आई नहीं है, बट अब स्नैक पीक का वेट कर लो। तो दादा जी, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा अंदाजा मेरा तो क्या है? मैं तो ढूंढूरा ही पीट रहा हूँ। मैं तो सीधे सीधे साफ साफ बोल दिया कि भाई फ्यूचर पास में तो तो चाहिए भाई अब चाहिए। आप सभी लोग ये सकते हैं कि दादा जी हमारे ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो उसी ढिंढोरे को बरकरार रखते हुए हमारे को जी, हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम गरीबों के पास में निमोर नहीं है, तो हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे। और गरीबों को हम लोग थोड़ा सा वो निमोर के बायोमेट्रिक्स दिलवाने के लिए पूरी संभावना पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। जी, जरूर जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, काफी लंबा है। हो गए क्या? अच्छा नहीं, काफी लंबा है क्वेश्चन, एक मिनट रुको। ब्लैक पैंथर को जस्टिस मिलना चाहिए। वी कैन यूज इट कॉम्बैट टाइप कैरेक्टर। हाँ भाई बिल्कुल, उसको जस्टिस मिल जाएगा तो हम उसको यूज कर बिल्कुल पाएंगे। भाई, जस्टिस मिलना चाहिए नेमॉर और ब्लैक पैंथर दोनों को, और दोनों को पावरफुल बनाना चाहिए। बोलिए आर के भाई बोलिए। हाँ तो जैसे कि लिखता हूँ कैसा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ा नेक्स्ट आपका। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछा है वंशिका चड्ढा जी ने। तो वंशिका चड्ढा जी कहते हैं कि यहाँ पर मैं जो हेला को TF3 करना चाहिए या उसके यूनिफॉर्म लेना चाहिए क्या? सबसे पहला क्वेश्चन इनका, आप बताओ आप लोगों का क्या सजेशन है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वंशिका जी, अगर आपको लीड है एक लीड कैरेक्टर की और 50% सपोर्ट कैरेक्टर की, तो बिल्कुल आप ले सकती हो और TR3 भी कर सकती हो। अगर अदरवाइज आपको डील कैरेक्टर की नीड है तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि हेला को आप यूनिफॉर्म लो और TR3 करो।
ओके, आर के भाई ने भी बिल्कुल छोटे से शॉर्ट फॉर्म में ही जवाब दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उनके चार क्वेश्चन है, तो ये उनका अगला वाला जो है सेकंड जो क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में आर के भाई से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है, ब्लैक पैराडे सेल में टीयर थ्री और अवेकन टिकट, मतलब अवेकन सिलेक्टर आएगा क्या? अवेकन सिलेक्टर, हाँ भी मैं सिलेक्टर नहीं बोल सकता ना, अवेकन वो जो आएगा वो, हाँ सिलेक्टर साइड का, हाँ ठीक है, होता है होता है होता है, दोनों का जो है वो लोग सिटी के सिलेक्टर बोल रहे हैं। तो अवेकन सिलेक्टर आएगा और उसमें कैरेक्टर वही मिलेंगे जैसे कि पुराने से 15 कैरेक्टर ऐड कर देंगे, जिनमें से एक दो कैरेक्टर नया ऐड कर सकते हैं, ओके ओके ओके। अगला अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, जो बैड बॉय से मैं पूछना चाहूंगा, स्पाइडरमैन का कौन सा सीटीपी देनी चाहिए? देखो मैं ट्रसली यूज करता हूँ ग्रेड के साथ, बट अगर आपको बोथ साइड यूज करना है पीडी और पीडीपी दोनों में, तो आप माइटी डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन दे सकते हो। आर के भाई आपका कोई सजेशन, टिप्पणियां? मैंने फुल डिस्क्रिप्शन ही दे रखा भाई, तो मैं सभी को रिकमेंडेड डिस्क्रिप्शन करूंगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैराडे सेल डेट, ब्लैक पैराडे सेल कब है उसकी डेट पूछ रहे हैं। ब्लैक पैराडे सेल का डेट है 27 नवंबर। ओके, तो वंशिका जी आपका अब तक क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, तो दोनों हमारे जो फैंस है, जो हमारे टीम मेंबर है, वंशिका में फर्क है, ठीक है, तो हमारे आर के भाई थोड़े से मुद्दे से भटक गए थे, ठीक है कोई बात नहीं, हम उनको लाइन पे ला लेंगे। वो थोड़ा हवस की तरफ बढ़ चुके थे और हम लोग ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको इसको वीडियो में रहने दिया जाए क्योंकि ये काफी अच्छा लाइन था, अगर ये लाइन नहीं पता तो मेरी समझ आ जाएगी पहले, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनक वरुण जी से, तो घनक वरुण जी पूछते हैं, यूनिफॉर्म टू बाय ऑन ब्लैक पैराडे सेल, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, मिस मार्वल और किंगो, तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उनके पास में डॉक्टर स्ट्रेंज लेवल 66 का है, मून नाइट उनके पास में अवेकन है कंप्लीट, और मिस मार्वल 64 की है, तो उनको इन तीनों में से किसका यूनिफॉर्म लेना चाहिए? डॉक्टर स्ट्रेंजर 66 लेवल का है और मिस मार्वल 64 और मून नाइट अवेकन है, भाई डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंजर है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी अच्छा कैरेक्टर है, जी जी। आर के भाई से आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप थोड़ा अपना माइक का थोड़ा पास में ले लीजिए, आपका वॉइस काफी ज्यादा फटे हुए स्पीकर जैसा आ रहा है। जी अभी थोड़ा क्लियर, ठीक है, अभी अभी आपका आवाज क्लियर है, ठीक है चल जाएगा। आगे यहाँ पर मैं क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एमडी जी जी वो उनको कंफर्टेबल लगेगा ना क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, वो बोल लेंगे बिल्कुल। देखो यार किंगो का तो यूनिफॉर्म बिल्कुल बेकार है, किसी मतलब का नहीं, हाँ किसी मतलब का नहीं है, और मिस मार्वल का तुम अगर लेना चाहते हो, अगर तुमको अपग्रेड करना है तो ही लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मैं ये बोलूंगा कि देखो अपग्रेड अगर आगे इसका कंटिन्यू रखना है तो लेना, हाँ, और मून नाइट अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसका यूनिफॉर्म ले सकते हो ब्लैक फ्राइडे सेल में, अभी मत लेना ब्लैक फ्राइडे सेल में लेना, अभी नहीं ब्लैक फ्राइडे सेल में जब 50% डिस्काउंट आएगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तदिल तदिल तदुल
इस्लाम यहाँ पर मैं नाम करके एमडी करके नाम लिखा हुआ है आईडी का बंदे का, मैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन क्या है वो डायरेक्ट पूछता हूँ। तो नेमोर को क्या वर्दित होगा, क्या नेमोर क्या वर्दित होगा क्या? जी 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 बिल्कुल वो हम बड़ा करा के बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, तो नहीं है। बात एकदम सही है आर के भाई की, बात एकदम सही है। बिल्कुल भाई, वो तो यही है कि वर्दी तो नहीं तो फिर सारा मटेरियल बेकार हो जाएगा। हाँ वो तो है। चलिए अगला जी जी, अगला क्वेश्चन है अमर सिंह की तरफ से। अमर भाई बोलते हैं कि 73 सेक्टर कब आएगा? 73 सेलेक्टर, 73 सेलेक्टर, 73 सेलेक्टर तो भाई ब्लैक फ्राइडे पर आएगा, क्योंकि पिछली बार मिला था मेरा पहला ब्लैक फ्राइडे था पिछले साल, तो मुझे तो मिला था, बाकी आप लोग को भी मिलेगा ही मिलेगा, तो डोंट वरी मिलेगा। ठीक है, अगला सेम सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगली अगला यही है, ब्लैक फ्राइडे सेल कब है? मतलब सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं एफएफ लवर की तरफ से है। एफएफ लवर बोलते हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे प्रीमियम कॉमिक कार्ड चेस में ब्लैक फ्राइडे सेल में आएगा क्या, मतलब प्रीमियम कॉमिक कार्ड चेस ब्लैक फ्राइडे सेल में आएगा क्या? इसका सिंपल सा आंसर अगर हम लोग दें तो हाँ, आराम से एनी टाइम आ जाएगा। अभी तो इवेंट खत्म हुआ तो तब तक तो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और नहीं भी आया तो आ जाएगा, और नहीं भी आया तो जीबीआर से दिल्ली का प्रीमियम कॉमिक कार्ड कलेक्ट करके आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, तो आप अगर नहीं भी आया तो देख लेना भाई, वैसे तो आना चाहिए, नहीं भी आया तो फ्यूचर पास से 300 टोकन मिल जाएंगे, और जीबीआर खेलोगे तो तुम्हें भी 300 मिल ही जाएंगे, तो बाकी वहां से भी 15 दिन का इवेंट आते रहता है। हाँ वो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही, नहीं बहुत धीरे आ रही है। किसकी? आरके की। गरीबों का मजाक ना उड़ाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अबे अगला क्वेश्चन ये है, एमएस गेमर पूछते हैं कि भाई आईडी चेक कब करोगे? ठीक है, आईडी चेक तो डिपार्टमेंट मेरा है, और बाद में अपन बैड बॉय को भी दे देंगे आईडी चेक करने के लिए, आर के भाई का जल्दी वीडियो आ जाएगा, तो उसका आंसर दे दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन ये है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है आईडी चेक का, अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर आईडी चेक के लिए देनी है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो उनका ये है कि गैलेक्टर क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, गैलेक्टर क्लियर नहीं हो रहा है भाई, 4-5% हो जाएगा। नहीं मतलब थोड़ा बहुत फ्रेंड्स का भी अगर सपोर्ट लेंगे तो क्लियर हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी मेंबर का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। मयूर भाई का सपोर्ट लो, बिल्कुल मयूर भाई गैलेक्टर ही खेलते हैं। अरे साले बेइज्जती करा रहे मेरी। हाँ मयूर भाई का चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर मैं, और भाई ऑल टाइम आपकी वीडियो देखता हूँ रहता हूँ, ये कैसा क्वेश्चन हो गया? बक भाई चलो चलो चलो, आगे आगे आगे,
टाइटैनिक भाई यहाँ पर मैं पूछते हैं कि भाई स्कारलेट विच को कौन सा सीटीपी देना चाहिए, जजमेंट डे ज्यादा अच्छा रहेगा कि सीटीपी रेज ज्यादा देना अच्छा रहेगा? रेज रेज देना रेज। चलो इनका क्वेश्चन का भी हमने आंसर दे दिया है और अगला क्वेश्चन तो भूल के भी मत देना भाई, वरना तुम्हारा मेरे तरह ही तुम तो क्रिस्टल के एल लग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो बैट बॉय भाई ने काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ये है, नेमोर की यूनिफॉर्म ब्लैक फ्राइडे सेल में आएगी क्या? आंसर दो भाई यार, क्या भाई यूनिफॉर्म आएगा तो ब्लैक फ्राइडे सेल में तो आएगी ना यूनिफॉर्म? हाँ बिल्कुल आएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अभी कोई नहीं लेना ब्लैक फ्राइडे पे, कोई भी यूनिफॉर्म लेना हो ब्लैक फ्राइडे पे लेना, अभी कोई भी अपडेट आ जाए कितना भी अच्छा यूनिफॉर्म आ जाए एक महीने बर्दाश्त करो और ब्लैक फ्राइडे पे ले लेना। अगला क्वेश्चन भाई, क्लिया कैसे मिलेगी, उसके बायोमेट्रिक्स चाहिए, बोलो भाई अभी। क्लिया बस एक साल का, एक साल तक ये कोशिश करो, एक साल तक मिल गया तो तुम रैंक का पीछे यूज कर सकते हो, वरना बायोमेट्रिक्स का बड़ा मुश्किल है भाई। नहीं वैसे क्लिया का बायोमेट्रिक्स इजीली बायो मिलना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक प्रीमियम कैरेक्टर है और उसके बायो के लिए आपको डायमेंशन मिशन में रनने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बारी, अब मेरी बारी, मेरे को भी इस पर टिप्पणियां देनी है, तो मैं आपको सीधा आंसर दूंगा कि आप स्टेज को ऑटो प्ले छोड़ दो, एक हफ्ते में अगर तुम डेली का करते हो तो आराम से तुम्हारे पास में क्लियर आ जाएगी, क्लियर आने के बाद में उसको टू स्टार तक कैसे भी कर लो, टू या थ्री स्टार रेंज का कोई स्टेज है ना उसमें भी क्लियर मिल जाती है। हाँ डिमेंशन, डार्क डिमेंशन में, वो डार्क डिमेंशन ऑटो प्ले पे छोड़ दो, वो स्टेजेस से मिल जाएगा, रैंक अप टिकट यूज कर लेना, आराम से तुमको रैंक अप करने को मिल जाएगा, उसको फिर बाद में सिक्स स्टार तक करने की जरूरत नहीं है, फाइव स्टार तक ही रखो तो बेटर है। अगला क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं है कि क्लिया इतनी अच्छी है, नहीं 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 पागल पड़े, नहीं 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 खाली बस सिक्स स्टार कर लो तो फाइव स्टार कर लो बहुत है, फाइव स्टार के आगे करना ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है गेम में, तो उसको फाइव स्टार करना ही क्यों है जब वो यूज नहीं है, तो फाइव स्टार करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट है डॉक्टर सिंह का, अगर ईपी कॉस्ट आगे बढ़ाना है तो उसको फाइव स्टार करना पड़ेगा। अच्छा तो भाई रैंक अप टिकट से स्टार कर सकते हैं, बाकी क्लियर का उसमें मिल ही जाएगा डॉक्टर पेन में, ऑटो प्ले पे छोड़ देगा, लेकिन हाँ क्लियर मत करना, ऑटो प्ले पे छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे, अगले यहाँ पर मैं मोहित चावड़ा बोलते हैं कि थानोस का यूनिफॉर्म लॉन्ग टाइम पीवीपी रहेगा क्या या नहीं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, विदाउट डाउट, बहुत चौड़ा का लगता है बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसको उसको मारने का भी किसी के पास उतना पावर नहीं है फिलहाल के कंडीशन में, फिलहाल के कंडीशन में तीन कैरेक्टर के पास में, हल्क गौर और एडम, अगर उसमें भी तुम, उसमें भी तुम अगर अच्छा अपग्रेड दे के रखते हो, एचपी का उरू दो दो दे रखे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता हल्क और एडम के बस की बात है। चलिए आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते ब्लैक फ्राइडे सेल कब आएगी, इसका भी क्वेश्चन हम लोगों ने दे चुके हैं, एंड यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन भी ये है, फर्स्ट फोन कैसे करे बेस्ट करेक्टर कौन सा है? अच्छा फर्स्ट टीयर थ्री किसको करे, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? मेरे हिसाब से तुमको अगर आंसर दी, अरे यार माँ का बहुत सड़ा अगला क्वेश्चन ये है, रॉकस्टार भाई पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है, तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है सुनो आरके भाई आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन है कि कौन सा कैरेक्टर को टीयर थ्री सिलेक्टर में सिलेक्ट करना चाहिए? ये टीयर थ्री सिलेक्टर में कौन सा कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर बताओ जो टीयर थ्री सिलेक्टर में सिलेक्ट करने के लिए चाहिए उनको, आप रिकमेंड करो। सबसे पहले स्पाइडरमैन, उसके बाद एरोन, उसके बाद ठीक है अब ठीक है, हमारे जो आर के भाई है वो भूल गए कैरेक्टर कौन सा रिकमेंड करना चाहिए, उनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
ध्यान कहीं और है, एक्चुअली वो कहीं और सोच रहे हैं। जहाँ तक टीयर थ्री सेलेक्टर की बात है तो वो आप वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, मयूर भाई ने भी वीडियो डाला, तो वीडियो देख सकते हो कौन सा कैरेक्टर चूज करने में डाला था। जी जी जी। और अभी से आर के चैनल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कई सालों से उस पर ताला लगा हुआ है। सही बात है। अभी एक क्वेश्चन एक और आया हुआ है, इपिक क्राइस करके एक बंदा है, उसने कमेंट पूछा है कि भाई सुपर जायंट का यूनिफॉर्म सेल में आएगा क्या, और क्या वो परचेस करना चाहिए क्या? सुपर जायंट का अगर अगर मेरे को पर्सनली ओपिनियन में दू, सुपर जायंट का यूनिफॉर्म तुमको सुपर जायंट का यूज करना है तो ठीक है ले सकते हो, लेकिन उसका भी पहला ट्रेंड खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड अल्टीमेट में कुछ हद तक काम आ जाएगी, उसका डीपीएस और स्कोर करने के मामले में फीमेल कैटेगरी में सुपर विलन कैटेगरी में वो यूज करने के लिए ठीक है, यूनिवर्सल कैटेगरी में स्पेशली तुम लोग उसके एबीएस कर सकते हो, अलायंस बैटल लेजेंड भी कर सकते हो, कुछ हद तक स्कोर करने के लिए वो काम आ जाएगी, ठीक है लेना है नीड है तो ले सकते हो, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल में मिल जाएगा 875 या समथिंग कुछ तो पड़ेगा यूनिफॉर्म प्राइस, तो वो चेक कर लेना। वैसे तो WBL भी क्लियर कर लेती है, बट हाँ वही बात है जो वो अब उतनी लेवल पे नहीं रहेगी जितने हाँ। लेवल पे अदर कैरेक्टर स्टैंड कर रहे हैं। तुम सभी में आयरन मैन को ले लो, कितना पावरफुल है, सुपर जायंट उसके आसपास भी नहीं बैठती। अरे कोई सुपर जायंट को पूछ भी नहीं रहा है, मून नाइट के आने के बाद में, आयरन मैन के आने के बाद में सुपर जायंट किधर गई किसी ने देखा तक नहीं। मैं यूज करता हूँ, सॉरी। तो आज हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन थे, तो अगला संडे हम लोग ऐसे सैटरडे को हम लोग डाल देंगे क्वेश्चन के लिए, और संडे को हम लोग रिव्यू करेंगे, तो हर संडे हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे हम लोग ऐसे इस तरह से कोलैबोरेशन करके आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, अब आगे का आउटरो सत्यम भाई बोलेंगे, अपने बड़े भाई बोलेंगे। तीनों में से किसी के भी चैनल पे आ सकता है तो तीनों का चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बोल सकते हो, मैं उस टॉपिक को बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अगला आरके भाई का रहेगा आउट्रो, आरके भाई बोल दो यार। अच्छा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये भड़वा आज तक कभी नेक्स्ट वीडियो बोलता ही नहीं, ये हरामखोर साला। क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला नहीं है ना। क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला नहीं है ना।